देश की आजादी को 69 साल पूरे हो रहे हैं। हर तरफ आजादी का जश्न दिखने लग गया है। राजधानी दिल्ली में तिरंगे की रौनक बिखरने लग गई है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ आकर तिरंगा बेच रहे उन लोगों का क्या? ऐसे में कुछ लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमारी सहयोगी गीतिका ने उनसे बात की। दिल्ली की सड़कों पे जब आप अपनी गाड़ी से निकलेंगे तो अक्सर आपको सिग्नल्स मिलते हैं, और इन सिग्नल पे अक्सर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो हाथ में तिरंगा लिए, हाथ में बैचेस लिए, ट्राई कलर फ्लैग लिए, ट्राई कलर हैट्स लिए, आपको स्वतंत्रता दिवस या रिपब्लिक डे इन दोनों दिन के आसपास मिल जाएंगे। वो आपकी खिड़की पे खटखटाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें बेचना चाहेंगे। कई बार तो आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार आप उनसे वो चीज़ें, वो तिरंगा खरीद लेते हैं ताकि वो झंडा आप अपने बच्चों को दें, ताकि बच्चे भी देशभक्ति की भावना में लीन हो सके। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये लोग, ऐसे लोग जो सड़कों पे, जो सिग्नल्स पे झंडे बेचते हैं, बैचेस बेचते हैं, क्या वो आज़ाद हैं? वो स्वतंत्र तो हैं, लेकिन कितने आज़ाद हैं, आज सीधा उनसे जानते हैं। सर, आपसे पूछूंगी, आप यहाँ तिरंगा लेकर खिड़कियों पे खटखटाते हैं, गाड़ियों की खिड़कियों पे, कितना लोग खरीदते हैं, कितने लोग आपको बोल देते हैं नहीं, कुछ जवाब नहीं मिलता? मैम, कुछ लोग ले भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। फायदा वही, एक झंडे में मिल जाते हैं 10-5 रुपये। उनसे मैं, पुलिस वाले भी मना करते हैं बेचने के लिए, और पकड़े जाओ तो थाने ले जाते हैं, थाने से कोर्ट में भेजते हैं, वहाँ पैसे लगते हैं, और जो भी मतलब बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ते हैं, गोले वाले हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। जी, तो आप ये महीने से हो रहा है, आप ये झंडा बेच रहे हैं, ये तो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसके कितने दिन पहले से आप झंडा बेचते हैं, बैचेस बेच रहे हैं, और छोटे छोटे जो गाड़ी में रखते हैं शोपीस वो बेच रहे हैं? 10 दिन से पहले बेचता हूँ मैम। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन कितने स्वतंत्र हैं, जवाब आपके सामने है। दिल्ली से कैमरामैन जयदीप के साथ गीतिका वर्मा, इंडिया 24/7 के लिए।